हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ बच्चों, आज हम आपकी SST में सिविक्स के चैप्टर थर्ड का जो पार्ट बचा हुआ था उसे रीड करेंगे। ठीक है, आधा चैप्टर हम रीड कर चुके थे कल, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं शासन की कार्य प्रणाली। आपने देखा कि यहाँ पे हम राज्य स्तर प्रशासन की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे काम करती है विधायक, विधानसभा, विधानपालिका, ये सब क्या होती है, इन सब के बारे में बात की। अब शासन की कार्य प्रणाली यानी कि कार्य कैसे करती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। आपने पढ़ा था बहस जो विधानसभा में हुई थी, उसके बाद क्या होता है देखो इसमें दिखाया। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले प्रश्न पर एक ऐसी रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की, यानी कि उन्हें कुछ मुआवजा दिया, भाई मरे आपके लोग जिस कहते हैं ना कि ये मुआवजा मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज भी प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को जानकारी देने की भी है कि किन उपाय द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, यानी जो स्कूलों का जो काम होगा वो शिक्षा विभाग करेगा, जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड होगा वो स्वास्थ्य विभाग करेगा, जो जो किसानों का है, कृषि से संबंधित होगा वो कृषि विभाग करेगा। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। प्रश्न करने वालों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों में, अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर एक ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए ऐसे कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी संसद क्या होती है, कैसे काम करती है, इसमें आप क्लास 8th में पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में विधायकों यानी MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्य जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों की को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित स्वीकृत कराया जाता है। देखो यहाँ पे दिया है विभाग का नाम, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उनके कार्यों के उदाहरण। जैसे स्कूल में है तो कोई पढ़ाई संबंधित है, कोई एग्ज़ाम लेना है, कोई बोर्ड में कोई जाना है उसके में संबंधित। ठीक, कृषि में कोई है तो कोई किसानों को बीज से संबंधित समस्या है या किसानों के खेतों में समस्या है उसमें। ठीक है, वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यह जो तस्वीरें
दी गई हैं, यहाँ पे दिया आएगा बच्चों, वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं प्रस्तुत करती हैं। शिक्षिका चुने गए विषयों का पूरा कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा कक्षा को समूह बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना होगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में घट्टी की सामग्री को पढ़ते हैं, अपने अनुभव विचारों को लिखते हैं। इसके लिए कविताओं, कहानियों, साक्षात्कार, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जैसे कहा किसी, मानो मैंने जैसे आपसे कहा था क्लास में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको कुछ भी याद करके आना है, तो मैंने आपको दिया एक टॉपिक, आपने उसके बारे में किसी ने कविता सुनाई, किसी ने उसके बारे में उनके जीवनी सुना दी, किसी ने उनके बारे में कुछ स्लोगन बोल दिया, जो भी आपको अच्छा लगा, तो वही क्या है, परियोजना। ठीक है, जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई, लिखी गई, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं कि वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉल पेपर में क्या 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 जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। ये वॉल पेपर में क्या करते हैं कि कुछ समूह बना दिए जाते हैं, पाँच पाँच बच्चों के, सात सात बच्चों के, वो क्या करते हैं मिलकर के फिर कि मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, सब मिलकर के विचार करते हैं, हाँ इसका ये सही रहेगा, इसको हम ले सकते हैं, नहीं इसको हम नहीं ले सकते, इसने बोला ये गलत है, तो इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉल पेपर कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए, सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा होता है, अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता, और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यानी कि मान लो आपने प्रेजेंटेशन दे दी क्लास में, उसके बाद कि इसमें क्या और कर सकते थे, क्या और आप जोड़ सकते थे, या क्या आपने सही नहीं किया, इस बारे में चर्चा होना जरूरी है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉल पेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। अपने राज्य की सरकार के कार्यों से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा यह वॉल पेपर निकालने की प्रयोजना करें, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि। जैसे अब चल रहा है आपका कोविड, तो आप इससे रिलेटेड भी कुछ भी बना सकते हैं, कोरोना से रिलेटेड किसके लक्षण ये होते हैं, ये ऐसे ठीक होता है, हमें ऐसे रहना चाहिए, इस तरीके से आप वॉलपेपर तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा, आपको चैप्टर फिर से रीड करना है पूरा, उसके बाद मैं आपको इसे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी बच्चों, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।